राखी सावंत की बड़ी मुश्किलें। राखी सावंत को क्या पुलिस ने किया गिरफ्तार? शर्लिन चोपड़ा ने ट्वीट कर किया दावा। वेल, क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं फर्स्ट इंडिया फिल्म मेकर्स रिपोर्ट में। वेल, राखी सावंत कई दिनों से अपने निकाह को लेकर मीडिया लाइमलाइट में बनी हुई थी। लगातार राखी सावंत आदिल खान के साथ अपने निकाह को लेकर कह रही थी कि आदिल खान ने उन्हें धोखा दिया है, इसी वजह से उन्होंने अपनी शादी की बात मीडिया के सामने रखी। हालांकि आदिल खान ने अब राखी सावंत को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन इस बीच राखी सावंत की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि राखी सावंत के गिरफ्तार होने की खबरें सामने आ रही हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। खबरों के अनुसार ड्रामा क्वीन राखी सावंत को लेकर खबर आ रही है कि अम्बोली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि शर्लिन चोपड़ा के मामले में राखी सावंत को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक्ट्रेस और मॉडल शर्लिन चोपड़ा ने ट्विटर पर इसकी जानकारी भी दी है। शर्लिन ने ट्विटर पर लिखा है कि ताज़ा खबर, अम्बोली पुलिस ने प्राथमिकी 883/2022 के संबंध में राखी सावंत को गिरफ्तार किया है। कल राखी सावंत के ABA 1870/2022 को मुंबई सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था। वेल, राखी सावंत की गिरफ्तारी की खबर से हर कोई हैरान हो गया है और लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हैं क्योंकि राखी सावंत की मां की हालत बेहद गंभीर है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि राखी सावंत और शर्लिन चोपड़ा के बीच कई दिनों से हमें बहसबाजी देखने को मिल रही थी। यहां तक कि दोनों एक्ट्रेस एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आते थे। आपको बता दें कि जब से साजिद खान बिग बॉस के घर में गए हैं, तब से ही साजिद खान का सपोर्ट करते हुए नजर आ रही हैं राखी सावंत। वहीं शर्लिन चोपड़ा ने साजिद खान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे मीटू के तहत, और इसी दौरान राखी सावंत साजिद को सपोर्ट करते हुए दिखाई दी थी, जिसके बाद राखी सावंत को लेकर शर्लिन ने कई गंभीर आरोप लगाए। यहाँ तक कि राखी सावंत के कैरेक्टर पर भी सवाल खड़े किए थे। इतना ही नहीं, शर्लिन चोपड़ा ने पुलिस स्टेशन में जाकर राखी सावंत के अगेंस्ट केस भी दर्ज करवाया था, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि राखी सावंत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वेल, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हम इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हर एक लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।